कुछ महाशयों को बस मंच और माइक मिल जाए, तहजीब का तमाशा बनाने में देर नहीं करते। जाने किन किन बातों को लेकर मर्यादा लांग जाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक सज्जन ने तो पीएम मोदी को लेकर हद ही पार कर दी। बोले, हमारी बीवी, हमारा तलाक, मोदी ने क्या ठेका ले रखा है? इतना ही नहीं, पीएम मोदी के निजी जीवन को भी निशाने पर ले लिया। जमीयत के गुलाम ने दिया तहजीब को तलाक। मोदी जी खुद ही बतावे थे तलाक दे रखा है बिना मतलब फिर चक्कर काटते हैं देते हैं। औरत हमारी, हमारा तलाक। अब औरत हमारी, तलाक का मसला हमारा, इनका का मतलब है भाई। मोदी क्यों ले रहे मुसलमानों का ठेका? सारे देश खून दिए, अपनी बहुत बातें करी, मारियों का पीछा पड़ गया। तीन तलाक पर देश में जारी बवाल को एक बार फिर बुढ़ाना में हवा दे दी गई। जमीयत के कार्यक्रम में जमकर तहजीब का तमाशा बनाया गया। तलाक को लेकर तो मर्यादा तार तार की ही गई, पीएम मोदी के मान सम्मान के भी परखच्चे उड़ा दिए गए और तहजीब के सारे बैरियर विध्वंस कर दिए गए। जमीयत उलेमाए हिंद ने गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम किया, लेकिन मुद्दा तिरंगे के बजाय तीन तलाक को बनाया और निशाना पीएम मोदी पर लगाया। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान मजदूर मंच के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तीन तलाक का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और तीन तलाक को लेकर सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून को बेबुनियाद बताया। गुलाम ने कहा कि औरत हमारी और तलाक का मामला हमारा, फिर मोदी को इससे क्या मतलब? अब औरत हमारी, तलाक का मसला हमारा, इनका का मतलब है भाई? ये अपने को ठीक रखो या तलाक रखो। गुलाम मोहम्मद यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की निजी जिंदगी को भी निशाने पर लिया। बोले, मोदी जी खुद बताएं कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे रखा है या नहीं। आप अपनी बीवी को देखो, दूसरों की बीवी का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी खुद ही बतावे थे तलाक दे रखा है बिना मतलब फिर चक्कर काटते हैं देते हैं। सारे देश खून दिए, अपनी बहुत बातें करी, मारियों का पीछा पड़ गया, यो कौन सा तुक है भाई। गुलाम मोहम्मद ने बीजेपी के राम राग पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाती है और कहती है कि हम जीते तो राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज तक अयोध्या में मंदिर की एक ईंट भी नहीं लगी है। मंत्री बन रहे आपका मोदी जी, हर तीनों बार मुद्दा है मंदिर बनाना, ईंट वाल लगी नहीं, हर साल यही मुद्दा उठा इलेक्शन से पहले उठे। जब इन बयानों को लेकर उनसे सवाल किया गया तो बातों से मुकरते नजर आए। और सही बात तो यह है, तंस तो मैंने कसा नहीं, सरकार किसी की भी हो उसका आदर करते हैं, इसमें रहना भी है। वो तो वैसे ही बात कुछ बात होगी, वो तो निकल गई, वैसे कोई खास बात नहीं। मैं अपने बात वापस ले, मैं अपनी बात वापस ले लूँ। स्वाभाविक है कि जो मौलाना लोग हैं उनके भीतर बेचैनी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके यहाँ की महिलाएं स्वतंत्र हो, वो अपने विवेक और अपने विवेक का विकास कर सकें और अपने अपने जीवन का विकास कर सकें। और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की बातें उठेंगी। और जहाँ तक रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, तो वो बहुत स्वाभाविक है कि उनकी पत्नी, आज सारी दुनिया उनको जानती है, सारा विपक्ष उनको बरगलाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी ये उन दोनों के ही बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी सामंजस्य है, जिसका परिणाम है कि वो इतने बड़े काम के लिए, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए और समाज के विकास के लिए, भारतीय समाज के विकास के लिए वो लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे लोग मंच मिलते ही क्यों मर्यादा भूल जाते हैं, क्यों तहजीब को तिलांजलि दे देते हैं? क्या ये लोग प्रधानमंत्री का भी सम्मान करना नहीं जानते? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।